अस्सलाम वालेकुम। आप सब के इल्म में और हम सब लोग मसरूफ हैं इंतखाबात 2018 में 25 जुलाई को होने हैं, चंद दिन रह गए। आप सब गवाह होंगे और ये बात बड़ी तकलीफ के साथ बार बार दोहरानी पड़ती है, अगर इस शहर में आप घूमे फिरे, इसकी शाहराओं पे, सड़कों पे, मोहल्लों में, गलियों में देखें तो वो तंजीम जो 35 साल से इस शहर का मैंडेट रखती है, उसकी गली गली पूछे पूछे में एमक्यूएम के कारनाम, उसका काम, उसका नेटवर्क मौजूद है। आज कराची समेत सिंध के शहरी इलाके, वो शहरी इलाके जिसका मैंडेट एमक्यूएम के पास रहा है, अगर आपके पास आप गौर करें तो सबसे कम परचम, बैनर्स, इंतखाबी निशान अगर किसी के नजर आते हैं तो एमक्यूएम है। एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम है, और कोड ऑफ कंडक्ट का भी मामला रह जाता वो सारे मेयारात पूरे किए गए जो उस कोड ऑफ कंडक्ट में थे, लेकिन हम परेशान इसलिए नहीं हुए, इंतजाज किया क्योंकि ये हालात बता रहे हैं, नियत का अंदेशा करवा रहे हैं, खतरात को बढ़ा रहे हैं, तश्वीश बढ़ रही है कि आखिर ऐसा इतनी मुतादी से, इतनी फुर्ती से और इतनी तेजी से इंतजामिया क्यों कर रही है, क्योंकि परसेप्शन क्रिएट करना है कि एमक्यूएम तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, एमक्यूएम तो कमजोर हो चुकी है, एमक्यूएम फाल नहीं है, नतीजे मुख्तलिफ हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमें इस बात पर कोई थोड़ा सा भी तश्वीश नहीं है कि हमारा वोट बैंक कहां जाएगा। हमारे जो भी हालात रहे हो, सवाल ये होता है कि एमक्यूएम ने 5 सालों में क्या किया, हमारे लोग जो हमारे वोटर हैं वो जानते हैं कि एमक्यूएम के साथ इन 5 सालों में क्या हुआ है। बात इससे आगे बढ़ रही है, अभी आपके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो ताखीर हुई है उसकी वजह यह है कि हम कुछ अच्छी खबरों के मुंतजर थे। कल मीरपुरखास में एमक्यूएम का मरकजी जलसा होना था, हम सब वहां पहुंचने जा रहे थे, जलसे की इजाजत के बावजूद इंतजामिया ने कह दिया कि हम आपको जलसा नहीं करने देंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। एक सहूलत याफ्ता तंजीम का वहां पर की रैली है, तो वो एमक्यूएम जो 35 साल से मीरपुर खास की हर बार और बार बार जीत रही है, जहां का शहरी इलाका साबित करता है वहां पर आपको सबसे पहले अगर किसी का हक और इख्तियार है जलसा करने का तो वो मुत्तहिदा कौमी। इसी तरह आज मुझे और नवीद भाई को हैदराबाद में होना चाहिए, हैदराबाद के पक्का किला ग्राउंड की परमिशन हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें कह दिया गया कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मसला, ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। संगठन में इससे पहले 13 जुलाई को जलसे की इजाजत देकर फिर उसको मंसूख कर दिया गया, मैंने आपको बता दिया, और अभी भी कराची में हमने 4 जगहों पर, आप बताइए सियासत के भी कुछ उसूल होते हैं,
वो जमात जो 35 साल से 85% मैंडेट रखती है, तरजीह उसकी दरखास्त होनी चाहिए। हमने सबसे पहले जो जिना पार्क है, असल नाम उसका जिना पार्क है, कायद आजम के मजार के सामने बागे जिना भी कहते हैं, सबसे पहले एमक्यूएम ने वहां पर अपने मरकजी इंतखाबी जलसे की दरखास्त दी थी, दो बार थी, 10 दिन पहले भी थी दोबारा। वो एक और सहूलत याफ्ता तंजीम, वो तो परमिशन मिल गई एमक्यूएम को, आज उसकी मर्जी के दिन उसकी मर्जी की जगह पर एमक्यूएम से कहा अपने दिन तब्दील कर लिया, हमने अपने दिन भी तब्दील कर लिए, लेकिन हमें अभी तक 4 दिन 5 3 दिन ही रह गए ना, 23 को खत्म हो जानी है इंतखाबी हुई तैयारी में, पता लगता है आपको पता है लाखों का जलसा होता है, तैयारी के लिए वक्त चाहिए होता है, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिली है। हमें लियाकत आबाद फ्लाईओवर के लिए भी, लियाकत आबाद फ्लाईओवर के लिए लियाकताबाद से नामाबाद जो डबल रोड जा रही है उसके लिए भी परमिशन मांगी है, नामाबाद से प्ले ग्राउंड है ईदगाह ग्राउंड उसके लिए भी परमिशन मांगी है। हमें इंतजामिया निगरा हुकूमतें रियासत हतमी तौर से बता दें कि आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने की ही इजाजत नहीं, ताकि हम अपना लायमल तैयार कर सकें। बता दिया जाए अगर हम इंतखाबात में नहीं खड़े होंगे तो फिर आप हमें नहीं इंतखाबात से बाहर कर रहे, आप सिंध के शहरी इलाकों के तमाम लोगों को हक राय दही से उसकी परमिशन मंसूख कर रहे हैं, रोक रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। आप बांग्लादेश पाकिस्तान की औलादों को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करने से रोक रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ लाडली तंजीमें वो जहां पर उनको लग रहा है एमक्यूएम का काम एमक्यूएम की कामयाबी की सनद बनता जा रहा है, वहां के एमक्यूएम के कारकुनों के नाम दिए जा रहे हैं और वो बड़ी फुर्ती मुस्तादी से रातों रात गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अब तक किसी भी सियासी जमात का कोई कारकुन गिरफ्तार ना नहीं हुआ है मां सिवाय एमक्यूएम के, जो कि रोजाना की बुनियाद पर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आप गौर फरमाइए कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी सियासी जमात है जिसके सैकड़ों दफातर को मसमार किया गया हो, और तसल्ली कर लेते हैं, एक ऑप्टिक्स होती है, एक परसेप्शन बनता है कि आप इवन प्लेइंग फील्ड नहीं ले रहे, आप बराबरी का मौका नहीं दे रहे। आप चंद दिन पहले हमारे एक और दफ्तर को भाई 25 जुलाई तक रोजा के मसमार कर दिया है, इसकी बहुत सारी तफसील है, तो जैसे नहीं। फिर गुज़िश्ता चंद दिनों में एमक्यूएम के जिन वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। हैदराबाद जोन से, हैदराबाद शहर से शाहरुख भाई को गिरफ्तार किया गया, अजीज भाई को गिरफ्तार, अदनान शेख को गिरफ्तार किया गया, मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया, हामिद नूर को गिरफ्तार किया गया, मीरपुरखास से फकीर मोहम्मद मेहमत को गिरफ्तार किया गया, मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार किया गया, अबरार गौरी को गिरफ्तार किया गया, ढलोलियार से सैयद आशिफ अली को गिरफ्तार किया गया और साकिर टाइमखानी को गिरफ्तार किया गया, ठट्टा से आसिफ को गिरफ्तार किया गया, शाहरुख को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कराची से बहुत सारे
सारी इंसानियाँ हैं जिनमें मुरंगी से हमारे टाउन इंचार्ज हैं नजर मुकरम भाई को गिरफ्तार किया गया, शिराज भाई को गिरफ्तार किया गया, बल्दिया से मोहम्मद हुसैन भाई को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे गुलाम नबी भाई को गिरफ्तार किया गया, लाइजेरिया से राशिद भाई को गिरफ्तार किया गया, मुरंगी से जोहेब भाई को गिरफ्तार किया गया, मुरंगी से मोहम्मद इस्लाम भाई को गिरफ्तार किया गया, कोरंगी से मोहम्मद सुलेमान भाई को गिरफ्तार किया गया, कोरंगी से फैसल भाई को गिरफ्तार किया गया लियाकत आबाद से। वो के इनमें से बहुत सारे कारकुन इतने कुछ कारकुन हमारे छूट गए और कुछ की जेल कस्टडी हो गई और कुछ अभी तक लापता मिसिंग है। तो ये सब कुछ एक एंकर के कारकुनों में एक खौफ और रास्ता किया जा रहा है